दोस्तों भी कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक नया फीचर आया था जिसके थ्रू आप कुछ पैसे देकर अपने ट्विटर के अकाउंट पर ब्लू टिक ले सकते थे। सेम यही प्रोसेस अब इंस्टाग्राम पर भी हो गया है। अगर आपको अपने इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लेना है तो बस आपको कुछ पैसे देना होगा और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लू टिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 100 फॉलोअर हैं तो भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लू टिक ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो फीचर था ये अभी सभी लोगों को नहीं मिला, बस कुछ ही लोगों को ये फीचर मिला है। तो सबसे पहले ये इस फीचर को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट को जब आप ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको प्रोफाइल वाले पिक्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलता है मेटा वेरीफाइड करके। अगर आपको ये ऑप्शन मिला है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मिला तो किस तरीके से आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा चलिए बताता हूँ। उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद क्रोम ब्राउजर के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है मेटा वेरीफाइड। उसके बाद फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद अगर आप अपने फेसबुक को या इंस्टाग्राम अकाउंट को, दोनों में से किसी भी को अगर आप वेरीफाई कराना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके कुछ दिन बाद आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेटा वेरीफाइड करके जो ऑप्शन था वो आ जाएगा। उसके बाद आपको किस तरीके से वेरीफाई करना चलिए आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन मिल गया है तो आप इसे कैसे इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मेटा वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। अब जब आप मेटा वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको वेरीफाइड अकाउंट को चार फायदे मिलेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वेरीफाइड बैच मिल जाएगा, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपके अकाउंट का इंक्रीज और प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी आपके अकाउंट को कोई हैक नहीं कर सकता है। और जो तीसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई दिक्कत हो गया तो आप यानी इंस्टाग्राम टीम से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो चौथा ऑप्शन मिलता है वो यूनिक स्टिकर का है, जो कि केवल वेरीफाइड टिक वाले को ही मिलता है। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट जो वेरीफाई होगा तभी आपको जो यूनिक स्टिकर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करने के चार फायदे हैं, यानी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है आसानी से इन चार सुविधाओं का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली जो है सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जब आप सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके से ऑप्शन जो है वो शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पेमेंट करना होगा, यानी इंस्टाग्राम बोल रहा सबसे पहले आप पैसे दो, फिर उसके बाद हम आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। यानी यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो वेरीफाई करने के लिए कुछ पैसे यहाँ पर आपको देने होंगे, जो अभी मैंने पहले भी बता दिया था कि आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे। सेम इस तरीके से जैसे आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी हर महीने रिचार्ज करना होगा। यानी आपको हर महीने 699 रुपये आपको कटाना होगा, तभी जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वेरीफाई होगा। तो सिंपली जो है आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले पेमेंट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जब आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन जो है वो शो होगा। तो पेमेंट कराने के लिए यहाँ से अगर आप चाहें तो वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, रिडीम कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी एक के थ्रू पेमेंट कर देना है। अब जैसे आप पैसे पे करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म योर आइडेंटिटी करके एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने आइडेंटिटी को जो है कन्फर्म कर लेना है, यानी आपको अपने आइडेंटिटी को कन्फर्म कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने नाम जो है वो सही कर लेना। अगर आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो नाम है वही नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो सबसे पहले आपको अपने नाम को जो है सही कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर एक फ़ोटो अपलोड करना है, प्रोफाइल फ़ोटो आपको एक ऐसा अपलोड करना है जो आपका फेस क्लियर दिखे। उसके बाद यहाँ से आपको जो है अपने 2-स्टेप वेरीफिकेशन को ऑन कर लेना। जिस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी का 2-स्टेप वेरीफिकेशन ऑन करते हैं, सेम इसी तरीके से आपको अपने 2-स्टेप वेरीफिकेशन को ऑन कर लेना। इन सभी तीनों स्टेप को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको मिलेगा अकाउंट रिव्यू इन प्रोग्रेस वाला ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप नेशनल आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं। यानी नेशनल आईडी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जो है स्टेट आईडी जो है उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई एक आईडी जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। सेलेक्ट करके यहाँ से आपको सिंपली जो है नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने आइडेंटिटी को आगे और पीछे दोनों साइड का प्रॉपर फोटो खींच कर आपको अपलोड कर देना है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और उसके बाद आपको 48 घंटे का वेट करना है, और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। यानी 48 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले ही आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को जो वेरीफाई कर दिया जाएगा।
तो पहले टाइम था कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए लोग तरसते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 100 फॉलोवर हैं तो आप कुछ पैसे देकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको इंस्टाग्राम का ये फीचर अच्छा लगा या नहीं। मुझे तो अच्छा नहीं लगा है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और बुरा लगा तो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।